सुपर टेक की ये इल्लीगल बिल्डिंग ट्विन टावर्स ध्वस्त होने में बस कुछ देर बाकी रह गई। ये सेक्टर 93 का एक्सप्रेसवे है जो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की ये इल्लीगल बिल्डिंग्स ट्विन टावर ब्लास्ट होने में मात्र आधा घंटा रह चुका है। हम आपको बिल्कुल रियल टाइम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लास्ट होगा, और ये पूरा एरिया धूल के गुबार से उस समय पूरा कवर हो जाना है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने 400 से ज्यादा एम्प्लॉयज को इस समय यहाँ पे उपस्थित कर रखा है ताकि पानी का छिड़काव हो सके। जैसे ही यहाँ पे धूल का गुबार उठेगा, यहाँ पे हमारी टीम और हमारी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ट्रैक्टर तैयार है, बहुत सारी बसेस तैयार है जो डेमोलिशन होते ही वहाँ पे दौड़ेंगी और पानी का छिड़काव करेंगी। इस समय हमारे साथ कॉनकॉर्ड कंपनी के एक एम्प्लॉई हैं जिनका मेन मकसद ये है कि जैसे धूल का गुबार उड़ेगा उसे कंट्रोल करेंगे। सर, क्या तैयारी आपकी? जी, ये मशीन ये है जो पानी की, इसमें टैंकर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सिस्टम जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसे जब बिल्डिंग गिरेगी उससे पहले से मशीन ऑन रहेगी और जो डस्ट पॉल्यूशन जो फैलेगा उसको ये शांत करेंगे। कितनी खुशी हो रही है, वो हूटिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आज दशहरे का त्योहार है, सेम वही का वही माहौल है और आज इस ट्विन टावर रावण रूपी राक्षस का अंत होने वाला है। यहाँ पे बहुत खुशियां मना रहे हैं पूरे गेजा गांव के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं। हो चुके हैं और किसी भी समय अब यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, आप देखते रहिएगा, स्क्रीन से हटिएगा नहीं। चंद सेकंड और फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। चुका है और ये जो मोमेंट हम सब ने भी देखा, ये हमने लाइफ में पहली बार देखा था, बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ, वाटरफॉल मेथड यूज किया गया था, बिल्कुल सही बात है, 3700 किलो एक्सप्लोजिव लगाए गए थे, जो कहा गया था कि इतने दूर तक डेब्रिस और डस्ट आ सकता है वो नहीं हुआ। हम लोगों ने मास्क लगा रखा था, हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन आप देख सकते हैं क्लैरिटी अभी भी है, अभी वो इम्पैक्ट ऐसा नहीं आया है कि डस्ट हुई है, कुछ हुआ है, बट फिर भी अभी काफ़ी क्लैरिटी है। कुछ देर बाद शायद हो जाता है कि डस्ट वहाँ से यहाँ तक आ जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट गन्स लगी हुई पीछे, ये शॉर्ट गन्स का काम है कि जो डस्ट आएगी उसको कंट्रोल किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का स्टाफ है जो अभी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है।